Then we have a good last but not the least, we have our first treasury, Ting Chung. Our team आपके बीच पहुंच चुके हैं। अभी सबसे पहले हम उनको लेके जाएंगे ओपनिंग के लिए। आपका स्टाफ आराम से Once again, very good morning to all of you. आप सबको जैसे कि पता है आज हमारा formal opening of the office sub treasury Tenga Singh Chung आज opening हुआ है हमारे विधायक श्री खुशी सिंह जीसो जी के शुभ हाथों से के विधायक श्री कुलसी जी जो आज हमारे बीच है। आज के मुख्य अतिथि श्री कुलसी सिंह जी सो ऑनरेबल MLA सिक्स्थ डिवीजन ऑफ बुरागांव कम एडवाइजर ऑनरेबल मिनिस्टर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमारे डाइस में बैठे हुए डायरेक्टर CIHCS दाहू उनके साथ बैठे हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट स्टेशन हेडक्वार्टर ठेंगा के हमारे ग्रेप कमांडर 14 BRPF हमारे साथ BM है ब्रांच मैनेजर बैंक मैनेजर ब्रांच मैनेजर भटंगा साहब और हमारे साथ मेरे साथ में बैठे हुए मेरा कॉलिग गति पोविंग जो CO जामेरी का इंचार्ज में है वैसे CO ट्रिजिनो है गामबुरास पब्लिक लीडर्स मेरे जिला परिषद मेंबर्स अपने यहाँ के और ट्रिजिनो के तमाम ग्राम पंचायत मेंबर्स उनके चेयरपर्सन सबको इस ऐतिहासिक दिन को विटनेस करने के लिए आमंत्रित किया और आप लोग आया आप लोग सब सबको मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस ट्रेजरी के यहां के जितने लोग ट्रेजरी इशूज से हमेशा हमको बोंदिला जाना पड़ता था तो वो जो है आपका जो कॉस्ट है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा ठेंगा मार्केट का जो भी दुकान का जो भी ये कागज़ होता है उसको हमने सिर्फ साइन कर देता है वो फिर यहाँ आता है साइन कराता है फिर बोंदिला जाता है बैंक जाता है डिपॉजिट करता है तो इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसेस है हमारा आम लाइसेंस का रिन्यूअल हो गया हमारा लीगल लाइसेंस का रिन्यूअल हो गया काफ़ी जो रिन्यूअल वाला चीज़ जो है वो सारे के सारे चीज़ अब यहाँ होंगे जिससे आप लोग ये पब्लिक का इजी के लिए सरकार ने दिया है हम लोगों को इसका सही यूज करना चाहिए तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबको फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस ऐतिहासिक मौके पर थैंक यू जय हिंद थैंक यू जी सर आप लोग में से बहुत सोच रहे होंगे कि 2011 में ये नोटिफाई हुआ और 1997 में इसका ओपोजिट AOP में इसको डाल के 2011 तक इसका नोटिफाई होने के बावजूद 2023 में इतना दिन बाद क्यों हुआ ना तो इसका मैं क्रोनोलॉजी थोड़ा सा सीरीज ऑफ इवेंट्स थोड़ा आप लोग के सामने रखना चाहूँगा आप लोग का नॉलेज के लिए 1997 में इसको AOP में डाला उस समय का हमारे ग्रोथ ऑफ है उसके बाद 2006 में इसमें एक गवर्नमेंट से एक ऑब्जेक्शन था कि सिंगल DDO था उस टाइम में ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो हम लोग पेमेंट वगैरह होता है तो DDO स्लो करता है तो उसमें सिंगल DDO था बोल के इसका ऑब्जेक्शन होके वापस आ गया था तो उस टाइम का जो DC ऑफिस में
जो था उन्होंने फिर रिकमेंड किया कि यहाँ पे सिंगल वीडियो नहीं है, अगर चाहेगा तो हम रूपा को भी इंक्लूड कर सकता है, रूपा का जितना वीडियोस है उनको इंक्लूड करके उन्होंने भेजा था। तो 2011 में जाके ये नोटिफाई हो पाया, 2 फरवरी 2011 को ये नोटिफाई हुआ। उसी बीच हमारा नोटिफाई होने के बाद फिर दूसरा काम था, हमसे बैंक को लाइज करना होता था। तो बैंक में जो पूछा गया तो वहाँ पे करेंसी चेज का इश्यूज़ था, तो बाद में करेंसी चेज का इश्यूज़ भी सॉल्व हुआ। वहाँ पे बताया गया कि एग्जिस्टिंग है वहाँ पे करेंसी चेज। तो उसके बाद आया अपना, तब तो बैंक से भी इश्यूज़ नहीं था और नोटिफाई तो ऑलरेडी हो चुका था, तो हम यहाँ स्टार्ट करने के लिए पूरा हो गया था। तो 18 फरवरी 2012 में हमारे खुमसी साहब एमएलए साहब के द्वारा बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ। यहाँ से ऊपर एक बिल्डिंग आपने देखा होगा, जैसे ही बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ तो हम लोग उस पर काम चालू करने के लिए रेडी था वहाँ भी। तो बाद में स्टाफ शॉर्टेज की वजह से हम उसको चला नहीं पाया, तो हमने बोला कि हमारा जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टाफ है डीए का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी स्टाफ है यहाँ पे, बहुत हेक्टिक ऐसा हम लोग का काम नहीं है, तो हम लोग उसको भी हैंडल कर लेगा। तो ऐसे प्रपोजल दिया हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ से, हम लोग उसको मैन करके सब ट्रेजरी टीम को चलाएगा बोल के तो बात हुआ। तो फिर बाद में बोला कि बैंक का फिर एक इशू आ गया, बैंक वाला बोला कि इसमें हम लोग को आरबीआई से ऑथोराइजेशन चाहिए। तो फिर उसके लिए हम लोग यहाँ का जो एबीएस का बड़े बड़े जो उन लोगों का उससे एडवाइस से हम लोग फिर गुवाहाटी में उसको वो किया, अप्रोच किया। तो गुवाहाटी से भी बाद में बैंक ऑथोराइजेशन आ गया, बैंक बोला कि कर सकता है यहाँ का टेंगावेली ब्रांच जो है आपका ये स्टेट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन जो है ईजिली कर सकता है, उसको कोई इश्यूज़ नहीं है करके। उनको हमारा बीएम साहब अब हमारे बीच है, उनका समय में ही ये ऑथोराइजेशन भी आया है। तो जैसे ही बैंक ऑथोराइजेशन आ गया तो हमारा नेक्स्ट काम था, हमारा ऑफिस में जो भी मॉडलिटीज को पूरा करना होता है, जैसे कि टैन नंबर होता है, ट्रेजरी कोड होता है, वो सब हमने फिर लाना शुरू किया। तो अभी हमारे 29 मार्च 2023 को हमारा टैन नंबर भी आ गया, इनकम टैक्स से जो टैन नंबर आना होता है एसटीओ के लिए। और ट्रेजरी कोड आया हमारा 2 मई 2023 पहले ही आया हमारा ट्रेजरी कोड भी, ट्रेजरी कोड आ गया, 10 आ गया। फिर लास्ट में आया हमारा अकाउंट्स ऑफिस आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी बहुत ज़रूरी होता है एक एसटीओ को चलाने के लिए, एक ट्रेजरी ऑफिस को चलाने के लिए। तो ये आया आपका 12 जून 2023 में, ये इसी महीना 12 तारीख को आया। और लास्ट में था हमारा, क्योंकि हमारा जो सिंचुंग है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर आता है, डीसी बोमडिला के अंदर आता है, तो उनको भी एक अप्रूवल के लिए, उनका भी एक अपना अप्रूवल के लिए हमने यहाँ से लिखा था कि हम अपना सब ट्रेजरी टेंगर सिंचुंग चालू करने जा रहा है, तो आपका भी एक अप्रूवल चाहिए था। तो कल ही उनका अप्रूवल आया, 22 जून 2023 को कल अप्रूवल आया, आज हम लोग ने इसका इनोग्रेशन किया। तो यही हमको बोलना था कि इतना 2011 और फिर 2023 में के जो फासला था, जो डिस्टेंस था, वो क्यों था, मतलब कुछ टेक्निकलिटीज था, प्रॉब्लम्स था, इश्यूज था, जिसकी वजह से हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाया था। ऐसे नहीं था कि हम लोग नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं था, हम लोग तो लगातार एबीएस हमारा और दोनों सोसाइटी के पीछे लगे हुए थे, और फलस्वरूप आज हम ये दिन देखेंगे। थैंक यू। देन वी हैव next on the agenda, a presentation and felicitation of guests by all Bhagwan Society. On behalf of all Bhagwan Society, by Yongjin Marfiu, kya ja raha hai, Yongjin Dharanjan Gautami ji. So Yongjin Marfiu. Milo Sidiso sir, ABS. Bumbo Divis. The formal opening ceremony. Khamo Jambuka. जिला परिषद काउंसिल फॉर्म जेड पी एम नमस्कार सबको, मैं और गूगल सोसाइटी की तरफ से आप सबको नमस्कार करता हूँ। ये मेमोरेंडम पढ़ने से पहले मैं आप लोगों का एक चीज़ थोड़ा सा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इससे पहले हमारा फुंचू नजम जी ने हमारा ट्रेजरी के बारे में बात बोला, तो मैं उन जिन्होंने हमारे इस काम में मुकाम तक पहुँचाया, आज के इस ऐतिहासिक दिन में पहुँचाया, उसको उन लोगों को शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो हमारा ऑनरेबल खुमसी सर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साथ साथ में हमारा फॉर्मर मिनिस्टर श्री नरेश क्लोज जी जिन्होंने इस काम को शुरुआत किया है 97 से उनका सिटिंग एमएलए होते समय में, और साथ में जिन्होंने जो काम किया, ऑफिस वाला तो करते ही है, साथ में जो पर्सनली हमारा एक्स चेयरम श्री समूह सराय, एक्स चेयरम श्री श्रीमती रीना लाली, चेयरम रेखा मैडम, और साथ में फुनसुन नाजम, और सिंचुंग से आपको नमगे ओमू ग्लो जो पहला चेयरपर्सन थे, उन सबको मेरा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस काम को
यहाँ तक लाने में मुकाम वो लोग ने पर्सनली जाके ईटानगर से करवाया। तो आज इस ऐतिहासिक दिन को हम लोग को बरकरार रखने के लिए उन सबको दिल में याद रखना है। तो मैं फिर से ऑल बुगुन सोसाइटी यानी बुगुन कम्युनिटी की तरफ से आप सबको दोबारा हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। तो मेमोरेंडम में हमारा ऐसा है, हमने ऑनरेबल एमएलए सर को दिया है कि नंबर वन पोस्टिंग ऑफ स्टाफ द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ऑफ एडीसी सिंचुंग शैल बी मैनेजिंग द सब ट्रेजरी टेंगा सिंचुंग इनिशियली हाउएवर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडीसी ऑफिस वन सब ट्रेजरी ऑफिसर वन सब ट्रेजरी अकाउंटेंट वन यूटीसी वन एडीसी एंड टू एमटीएस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर सब ट्रेजरी टेंगा सिंचुंग। नंबर टू सेंक्शन ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सब ट्रेजरी ऑफिस बिल्डिंग एंड स्टाफ क्वार्टर्स इन पर्सन ऑफ गवर्नमेंट लेटर नंबर DA-605 एडमिनिस्ट्रेशन 45/2018-11330-78 dated 19 February 2019 the estimate of DPR along with land availability of, for construction of sub treasury office building at Sinchung copies enclosed for ready reference was submitted to the director of accounts and treasury Itanagar White ABC Sinchung letter number SNG account 01-2011-11 July 2019. However, no headway in this record has been intimated till date. Number three, main inclusion of state government offices public DTOs under the sub treasury Tenga Sinchung. The sub treasury Tenga Sinchung would include all the state government offices under the administrative jurisdiction of ABC Sinchung. However, the state government offices DTOs in the flooring administration circles are also proposed to be covered under payment jurisdiction of STO Sinchung. Sujino, Janri, Balupung, Rupa, Serkao, Kalaktan, Kamimbari, Doimara and Balimo. तो आज का ऐतिहासिक दिन हम हमेशा याद रहेगा हमारा, स्पेशली हमारा एडीसी सर अभी दोबारा से हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। ये आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि सिंचुंग सब ट्रेजरी आज ओपनिंग हो रहा है और जैसे बोला गया ये ऑलमोस्ट 26 इयर्स का एक एफर्ट है जो 1997 से शुरू हो के आज के दिन पे ये सक्सेस हो पाया और इसका श्रेय मैं मानता हूँ उन सभी स्टेक होल्डर्स को जाता है जिन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया होगा। और मेरे लिए एक सौभाग्य का बात है कि मेरे ही टेन्योर में ये हो पाया और एज अ ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट महीना से सभी ट्रेजरी रिलेटेड ऑपरेशंस का शुरू कर पाएंगे। और इसके लिए मैं एडीसी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लास्ट एक साल में हम लोगों ने बहुत बार बातचीत किया और जो जो हम लोगों के एम से करना था हम लोगों ने भी किया और उनके कोऑपरेशन से ये आज के दिन ये मतलब नसीब हो पाया। साथ में गवर्नमेंट के साइड से तुलसी साहब का भी धन्यवाद करते हैं और बस इतना ही कहना था मुझे। धन्यवाद सभी को। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग जो ट्रेजरर जो ऑफिस सब ट्रेजरर ऑफिसर्स को जो उद्घाटन किया है तो उसी तरह ये बिल्डिंग में सब कुछ शेयर किया, वही सेम ये सेम बिल्डिंग ट्रेजरी में भी सेम बिल्डिंग एडीसी ऑफिस बनाया हुआ है, बुरागांव ए सी बना हुआ है, जामिनी सी यू बनाया हुआ है, दोईमाना सी यू बनाया हुआ है, बालापुर ए सी बनाया हुआ है। तो देट मीन हमारा सिक्स ट्रेजरी बुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एडमिनिस्ट्रेशन साइकिल जो है 6 है और ई ऑफिस जो है 1 है और एस सी ऑफिस 2 है और ई एक आ रहा है। देट मीन्स हमारा सिक्स ट्रेजरी बुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने इस साढ़े तीन साल लगभग में हमने जो चीज़ करना चाहिए था किया है। अभी भी तनमन में क्षमता है कि बहुत जोर से हमको बुगुन एरिया में और आखा एरिया में बहुत करने का है और भी। तो इसलिए आपको देखा होगा कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जो सिंचुंग भी बहुत ही जल्दी शुरू होगा, जैसे त्रिजुन हाई सेकेंडरी स्कूल जैसे बना है ये भी यहाँ में बहुत ही जल्दी शुरू होगा, स्कूल का नक्शा ही बदल देगा। 2009 से लेकर आज 2023 लगभग 2014 में जो है नया एमएलए बना था, बनने के बाद 8 महीना पहले इलेक्शन बंद कर दिया। तो ऐसा करके वहाँ में जो है चार साल चार महीना में इलेक्शन बंद कर दिया, उसमें इतना समझ नहीं पाया।
लेकिन जितना जो हम सेका है हमने किया है, तो उसी तरह आप सबको उस वक्त हमने कहा था एक बार अच्छा सा मौका दे दीजिए, मौका देने के बाद हम विदाउट नर्वस सिस्टम ऑफ कम्युनिटी लाइनअप में हम कभी भी नर्वस होके काम नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे तो पब्लिक का दिल से सहायता करके काम करेंगे, और जहाँ असेंबली है, जहाँ मंदिर है, वहाँ में जाके आप सभी लोगों के लिए मैं आवाज़ दूंगा। आप सभी लोगों का जो जो नीड बेसिस है उसको पक्का मैं 6th जिनोब्रांच में लाने का मैंने आश्वासन दे के आप लोगों ने 2009 में मुझे अरुणाचल प्रदेश में हमको नंबर वन आप लोगों ने जिताया आईएएस ऑफ द वोटर्स में। उसके बाद सेकेंड में हमारा ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश शिव चौनामेन जी ने, उन्होंने फर्स्ट हुआ, फिर सेकेंड हम हुआ, फिर उसके बाद ये 2019 में जो है हम फर्स्ट हुआ सेकेंड जुगनू हुआ। तो उसी तरह ये 2009 से लेकर 2023 आज पहुँचे हैं। इस पहुँचने में हम जस्ट एग्जाम्पल सिंचो में हमने किया क्या, क्योंकि हम तो जब भी मेरा लीडर्स जेपीएम हो या ग्राम चैपा हो, ग्राम पंचायत लीडर्स हो, चाहे यूथ लीडर्स हो, चाहे गामरा गामरास हो या गामरेस हो, आप सभी लोगों को जब भी मैं इंटरेक्शन करता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ, तो आपने ग्राम चैपा हो, आपने ग्राम पंचायत हो, आपका सेगमेंट अंदर में आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया, आपको जागरूक होना जरूरी है, आपका पब्लिक को जानना जरूरी है। वो चीज़ जो होने से एक रिव्यू होके जाता है, एक रिव्यू होके जाता है। देखा हुआ है एक समय में पूरा 6th जिनोब्रांच में पानी जो है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर्स जो सप्लाई है, वो जो बहुत ही शॉर्टेज था, बहुत ही कमी गाती था। लेकिन आप लोग का किस्मत अच्छा है, मेरा किस्मत अच्छा है कि हमने एज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पीएचई डिपार्टमेंट को हमने 5 साल संभाला। इन पीएचई डिपार्टमेंट के साथ में हमने 5 साल में कई जगह में भी हमने बिल्कुल स्कार्सिटी ऑफ वाटर शॉर्टेज बिल्कुल होने नहीं दिया, और अभी भी कहीं में कमी आती है तो बिल्कुल चिंता मत करिए, वो भी पक्का मैं सॉल्व करूँगा। तो इसलिए आपने देखा होगा शिक्षक एरिया में और बुगुन एरिया में क्या हालत था पानी का। आज का दिन देखो पानी का और बिजली का कहीं जगह भी शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, अगर कहीं भी शॉर्टेज है बताइएगा जी। तो इसलिए आपने देखा हुआ है हर एक बस्ती में पानी पहुँचा दिया, बिजली पहुँचा दिया, और उसके बाद हर एक बस्ती में रोड, अभी हमारा एक टारगेट रोड बचा है दिचिन टू बिचोन, और बहुत ही जल्दी दोईमारा टू कमिंगबारी, दोईमारा टू बम्पू से तेंगलेज, ये भी बहुत ही जल्दी आएगा। ये जो है 5-5 होता है, 2 लेन होके आएगा। तो वंस अगेन सभी लोग को बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, आप सब ने दिल से सुना है। तो मैं जुलाई बारिश सीजन खत्म होने के बाद ये 6th जिनोब्रांच में राउंड मारना शुरू होगा, डेवलपमेंट के बारे में उस वक्त बताएंगे हमने क्या 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 नहीं किया। उसके बाद फिर आप सबका साथ में वन बाय वन जो भी दुख तकलीफ होगा हम जो सीखेगा मेरा तरफ से भरपूर कनेक्ट करेगा, और बाकी बीमारी तो आज भी कम से कम बैठे बैठे 25-30 तो आज भी सॉल्व करके भेज दिया। तो उसी तरह हमारा लाइफ में हमने दो चीज़ सीखा है, हमको भी झूठ बोल दो और हम भी आपको झूठने बोल देगा। इतना मैं कहते हुए वन सेकेंड थैंक यू, धन्यवाद सबको। गुड आफ्टरनून, आई एम काशी दिलेटुआ, ऑनरेबल एमएलए, गवर्नमेंट एडवाइजर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, रिस्पेक्टेड एडीसी श्री मुखरिका सर, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सीएचएस सर, सीएचएस, रिस्पेक्टेड आरम कमांडिंग स्टेशन हेडक्वार्टर रूपा, रिस्पेक्टेड वाईसी सर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कमांडर 14 बीआरटीएफ, रेस्पेक्टेड सर्कल ऑफिसर जीएमई 39 सर्कल, रेस्पेक्टेड जेपीएम्स, रेस्पेक्टेड ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टेंगा वैली ब्रांच, डिजिग्नेटेड चीफ मैनेजर, रेस्पेक्टेड हेड ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल सब डिवीजन, रेस्पेक्टेड जीबीस पीआरएम मेंबर्स ऑफ सेंट्रल सब डिवीजन, respected senior leaders of 76th region of the Rama constituency, respected chairman all women society, respected president Aka Sotoko Kuno, our opening ceremony mein shamil bhai aur behno, sabse pehle dhanyawad yapan ke liye jo avsar mujhe mila hai uske liye dhanyawad, हमारे जो भी जितने भी दूर दराज गाँव, हमारा सिंचू सब डिवीजन काफ़ी बड़ा है, यहाँ से दूर दराज से हमारे पंचायत लीडर्स और गांव दराज दूर दराज से, मौसम भी खराब है, बावजूद इसके आपने
समय निकालकर यहाँ पे हमारे साथ शरीक हुआ, उसके लिए भी सारे गांव बराज पंचायत मेंबर्स आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट के भी बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे हैं, मार्केट बाजार कमेटी के भी आप सबको भी धन्यवाद। तो पुनः तो इसी चंद शब्द के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। शायद इसके बाद अब लंच का तैयार भी हो चुका है, तो लंच सबके लिए शायद तैयार है, तो लंच खाने बिना आपका कोई मत जाइएगा, प्लीज़ लंच को खाते जाइएगा। थैंक यू।